हाँ भाई, शोएब मलिक ने क्या वाकई सना जावेद से शादी कर ली? नहीं यार, सही बता। आजकल ऐसी कुछ सवाल जो है हर इंसान दूसरे इंसान से पूछ रहा है। टॉप हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो यही चल रहा है। भाई अगर कर भी लिए तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है, और नहीं भी की तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है? भाई वो दूसरी करे तीसरी करे, चाहे वो सना जावेद से करे या आकिब जावेद से करे, क्या फर्क पड़ता है भाई? हमने और आपने, जितने भी यहाँ लोग हैं, जो आम आदमी है, उन्होंने सुबह उठ के वही अपना दफ्तर जाना है, वही शाम को सब्जी भिंडी क्या कहते हैं तुरई और पालक घर लेके आना है, वही करना है। जिन्होंने अपने कारोबारों पे जाना है, उन्होंने फिर वही अब सुबह कारोबार पे जाना है। तो चाहे वो शादी करे तो भी आपने वही जिंदगी गुजारनी है, चाहे वो ना करे तो भी आपने वही जिंदगी सुबह गुजारनी है। तो भाई उससे आपको या हमको या हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? लोग इस तरह टूटे पड़े ना यार, खुदा की कसम, जैसे पता नहीं कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंडा है, मुल्क तबाह हो जाएगा, एटम बॉम्ब गिर जाएगा, पता नहीं क्या होगा। आपकी जो तनख्वाह इस पर डिपेंड करती है कि भाई शादी की है नहीं की है। कल के आप जो बॉस को जाके बोलेंगे सर उसने शादी कर ली सना जावेद से तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, क्या अप्रेजल का रीजन होगा क्या? ये भाई जिस चीज का हमारी जिंदगी में दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग जो है बस वो लगे पड़े इस चीज के ऊपर। असल में हमारा मसला ये है कि भाई हमारी खुद की जो जिंदगी है ना, वो बगैर गैस के कोल्ड ड्रिंक्स है, कि हमारी पूरी जो है गैस खत्म हो चुकी है। हमारी जिंदगी में खुद कुछ इंटरेस्टिंग बचानी है, खुद कुछ बात करने को बचा नहीं, तभी हम इतनी फजूलियात फजूल की चीजों में पड़े रहते हैं। और आम आदमी तो छोड़े, मीडिया पर्सन जाके कोई यूट्यूब चैनल उठाने, हर बंदा जो है ना पूरा खोदने खादने में लगा हुआ है। हर कोई जो है ना वो आसारे कदीमा का माहरीन बना हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं ना, जो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। फुल हैवी किस्म की डिगिंग चल रही है, हर कोई जर्नलिस्ट जो है वो लगा पड़ा है जी, उनकी लाइफ की हिस्ट्री पे चला गया जी, इनका सीन कब शुरू हुआ जी, तो पाकिस्तान में शुरू हुआ ये वो। भाई जो भी हुआ जहां भी हुआ उससे हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? वो उसकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करे, किसी से भी शादी करे, उससे आपकी और हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? अपनी जिंदगी की तरफ फोकस करें ना भाई, अपनी बीवी को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपनी जिंदगी को देखें, ये सोचेंगे हमने अपनी लाइफ किस तरह बेहतर करनी है, कि भाई हमने अपनी जॉब कहाँ स्विच करनी है, हमने अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो करना है, हमने अपनी जिंदगी में क्या करना है, हमारी जो घर की पप्पो है उनको किस तरह संभालना है, ये मसले सोचने वाले भाई। क्योंकि कम से कम वो आपके अपने मसले तो है ना, आप उस पर बात कर सकते हैं। ये मसला दूर दूर तक हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हर बंदा जो है इसमें कूदा हुआ है। मतलब ये कोई वो बात नहीं, कोई भी इस तरह की खबर होती है ना, उसको हम ऐसा फैलाते हैं, ऐसा उस पर डिस्कस करते हैं, जैसे भाई पता नहीं हमारा क्या वास्ता है इससे। अभी बुशरा अंसारी की मैं क्लिप देख रहा था, वो भी इसी बात पर तप रही थी। वो कह रही थी कि यार मुझे सुबह से कोई 15-20 किस्म की कॉल आ चुकी है, लोग पूछ रहे हैं क्या जी वाकई शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली। वो कह रही भाई की भी हो तो सना जावेद कौन सी मेरी बचपन की क्लास फेलो है या कुछ है, कि जी मुझे बड़ी फिक्र होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा शोएब मलिक मेरा पप्पो का लड़का है या कुछ है, कि भाई मुझे उसकी बड़ी फिक्र होनी चाहिए या पता होना चाहिए। भाई की होगी नहीं की होगी मुझे क्या पता। आज सुबह से इस मुल्क में आग लगी हुई है। क्या सना जावेद ने शोएब मलिक से शादी कर ली? अच्छा, सोशल मीडिया पे तो तस्वीरें आ रही हैं, वो सच्ची हैं कि झूठी हैं? उन्होंने अपने पेज पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा जी, वो तो देख ही रहे हैं हम। जो तो फोन आ रहे हैं मुझे, और मुझे इतनी चिड़चिड़ती है इस बात से कि भाई अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हुई है, मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, शोएब मलिक मेरा क्लास फेलो था, वो सना जावेद मेरे साथ बचपन में खेलती थी, मैं उनकी फैमिली में हूं क्या? और मैं क्यों बताऊं, और मैं क्यों इस बात पर कोई आपकी जो सवाल है स्टूपिड किस्म के उनके जवाब दूं, मैं क्यों करूं? मुझे इस तरह की बातों पे इतना गुस्सा आता है। कि आप लोगों को कोई खुदा का खौफ है या नहीं है? उसी तरह हर बंदा जो है ना वो लगा पड़ा है उसके ऊपर। यार खुदा के वास्ते हम करते क्या, हम इस फजूली चीजों में ना अपना वक्त, इसलिए हमारा वक्त जो है ना बर्बाद होता है। हम जो है ना आज से 4 साल बाद 6 साल बाद भी अपने आप को देखते हैं ना, तो हम वही होते हैं जो ट्रेडमिल पे भागना होता है ना, कि आप भाग तो रहे ट्रेडमिल के ऊपर लेकिन जा कहीं नहीं रहे। तो हमारी जिंदगी में भाई ट्रेडमिल की तरह कहीं जा नहीं रही, क्योंकि हमें फुर्सत मिले दूसरों की जिंदगियों में झांकने से तो हम अपनी जिंदगी में झांके ना, तो भाई अपनी लाइफ पे फोकस करें। इंग्लिश में एक चीज कहलाती है स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है, उन चीजों पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल के अंदर है, जिसपे आपके अख्तियार है। शोएब मलिक ने उससे शादी की नहीं की, हम जो लगे हुए सोशल मीडिया पे कमेंटें चल रहे हैं, कोई गुस्से का इजहार कर रहा है कुछ कर रहा है, भाई उसको घंटा फर्क पड़ता है, वो अपने हनीमून की तैयारियां कर रहा है या लोग अपना फजूल में दिल जा रहे हैं, भाई उसने ये कर ली वो कर ली, क्या वो बड़े कमेंट्स पड़ गए उसके दिल में, बड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। भाई वो जिस काम के लिए उसने शादी की उस काम पे फुल टाइम लगा पड़ा है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अपनी जिंदगी को संवारो, अपने बारे में सोचो, दूसरों की फिक्र छोड़ो।